चंदन घाट में नहाने गए थे, जिसमें तीन लड़के व एक लड़की नहाने के दौरान डूब गए थे। परिजनों द्वारा चारों बच्चों को स्थानीय एनएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सरकारी हॉस्पिटल काशीराम चकेरी कानपुर नगर रेफर कर दिया गया। से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही। आपको बता दें, गंगा नहाने गए पांच बच्चे डूबे, चार की मौत, एक को लोगों ने बचाया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के जाजमऊ चंदन घाट में गंगा नहाने गए पांच बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिससे चार बच्चों के डूबने से मौत हो गई। वहीं एक बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चार बच्चों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जनपद बहराइच के पूर्वा थाना क्षेत्र के कैसरगंज के रहने वाले, वर्तमान में जिले की नई बिल्डिंग 16 बीघा थाना गंगा घाट निवासी जैनब बानू नाजिया, राज बाबू पुत्रगढ़ सलमान नाजिर और रियाज सुबह 7:30 बजे सभी एक साथ जाजमऊ के चंदन घाट में नहाने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए, जिससे राजबाबू नाजिया बानो नजीर और रियाज डूब गए। वहीं जैनब बानो को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। वहीं अन्य चार बच्चों को भी नदी में से निकाला गया। वहीं सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। चारों बच्चों को जाजमऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कानपुर के काशीराम अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी होने पर मोहल्ले में कोहराम मच गया। दोपहर के बाद घटना की जानकारी गंगा घाट कोतवाली पुलिस को हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो परिजनों ने इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस परिजनों से बात कर रही है। उन्नाव से गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। आइए देखते हैं संबंधित अधिकारी ने क्या कुछ बताया। आज दिनांक 13/4/2024 को सुबह 7:30 बजे थाना गंगाघाट क्षेत्र अंतर्गत नैकानी बिल्डिंग 16 बीघा में रहने वाले पांच बच्चे, जो कि थाना गंगाघाट क्षेत्र अंतर्गत स्थित चंदन घाट में नहाने गए थे, जिसमें तीन लड़के व एक लड़की नहाने के दौरान डूब गए थे। परिजनों द्वारा चारों बच्चों को स्थानीय एनएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सरकारी हॉस्पिटल काशीराम चकेरी कानपुर नगर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके उपरांत परिजन शवों को वापस घर ले आए हैं। थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।